रहीमिया खान में डीपीओ रिजवान उमर गोंदल और टीम ने कच्चा समय जिले भर में अमन कायम किया। सिविल सोसाइटी की जानिब से डीपीओ रिजवान उमर गोंदल के नाम से तहसील काउंसिल हॉल में पुरवकार तकरीब का इनकार किया गया। मसीह जानते हैं यासर अली गुमन की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों कच्चा में 9 अफराद के कत्ल में मुलव्वस हिंदड़ गैंग के 5 डाकुओं की हलाकत और सिटी सर्कल में एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद रफीउल्लाह के सफाक कातल को कैफरे करदार तक पहुँचने पर सिविल सोसाइटी ने डीपीओ रहीम यार खान और टीम की कारकर्दगी का तसलसल देखते हुए इनके एजाज में सलाम डीपीओ के नाम से एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद करने का फैसला करते हुए गुज़िश्ता रोज तहसील कौंसिल के हाल में तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें वकला सहाफी उलमा मेम्बरान जिली अमन कमेटी ताजरों समेत तमाम मकात आबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद शिरकत हुई। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल अपनी टीम में शामिल एएसपी भोंग शाहजेब चाचर डीएसपी सिटी आसर रशीद एसएचओ राणा शफाकत अली मंच शकील अहमद अली असम मुजम्मल इसाक सब इंस्पेक्टर मलक मोहम्मद सलीम दिर्ग सब इंस्पेक्टर कैसर महमूद के हमरा तकरीब में शिरकत के लिए पहुँचे तो रेंजर बैंड के हमरा तकरीब के रूह रवा मिर्जा मोहम्मद अहमद जहांगीर गोंदल चौधरी मोहम्मद फारूक नदीम चौधरी मोहम्मद इम्तियाज सुहेल सदीक शाहिद खान व दीगर ने इनको खुश आमदीद कहा। बच्चों ने इन्हें गुलदस्ते पेश किए। इशाले नदीम नामी नन्नी बच्ची ने डीपीओ रिजवान उमर गोंदल के माथे का बोसा लेकर इनसे अपनी अकीदत का इजहार किया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और नाते मकबूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब में राना नवीद एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस ने कच्चे और शहरी इलाकों में जराइम के खात्मे के लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आसम सदीक ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी कारकर्दगी से अवाम की तवक्कोआत मजीद बढ़ गई है। पुलिस को इसका तसलसल बरकरार रखना होगा। एक्साइज इंस्पेक्टर हसन जतोई ने एक्साइज डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करते हुए पुलिस के मकतूल एक्साइज इंस्पेक्टर केस में कारकर्दगी को सराहा और मरहूम को आला औसाफ का मालिक करार देते हुए पुलिस को सलामी पेश किया। खातून एडवोकेट नौशीन हाशमी ने कहा कि इन्हें 8 साल इस शोबा से वाबस्तगी हुए हो गए हैं। आज तक किसी पुलिस ऑफिसर और इनकी टीम को इस कदर पेशेवरी नहीं देखी जितनी डीपीओ रिजवान उमर गोंदल और इनकी टीम को हासिल हुई है। सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हुए मियां अहमद शहबाज ने कहा कि जराइम की रोकथाम सिर्फ पुलिस का फर्ज नहीं बल्कि इस सब से पहली जिम्मेदारी वालदैन की है। अगर सब वालदैन यह जिम्मेदारी पूरी करने लगे तो कोई बदकिस्मत ही मुजरम बनेगा। उन्होंने कहा कि कच्चा और जिला भर में अमन ओमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पुलिस की कच्चा और मकतूल एक्साइज इंस्पेक्टर रफीउल्लाह केस में मुजरम को कैफरे करदार तक पहुँचने पर तमाम शहरियों की जानिब से डीपीओ और इनकी टीम को सलाम पेश करते हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी डीपीओ रिजवान उमर गोंदल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नामसाइद हालात के बावजूद इनकी पुलिस की टीम सफाई से लेकर अफसरान तक के ओहदों के तमाम एहलकार शब रोज हमा वक़्त अपनी पेशा वाराना खिदमत को एहसन तौर पर निभाने के लिए कोशां रहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कच्चा ऑपरेशन एक बड़ा चैलेंज था जिसे इनकी पुलिस टीम ने इस क्यादत में कबूल किया। उन्होंने मजीद कहा कि आप पुलिस पर एतमाद करें, हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। इस मौके पर मकतूल इंस्पेक्टर एक्साइज हाफज मोहम्मद रफीउल्लाह के वालिद भाई मेम्बरान जिली अमन कमेटी बाबर जमा चौधरी मोहम्मद बूटा ताहिर कुर्बान अली मोहम्मद आसफ वाला व दीगर मौजूद थे। कैमरामैन अली सादक के साथ यासर अली गुमर राज न्यूज रहीम यार खान।